पैरेलल एक्सिस एसिम्प्टोट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम उन एसिम्प्टोट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो कोई भी पहले डेफिनेशन, कोई भी जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट जब होगा, सो वाई इज इक्वल टू सी, जब वो उस कर्व में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को अगर हम जीरो के ऊपर रखें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू टू प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इसका एक्स एक्सिस पे एसिम्प्टोट कौन सा है। तो क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर वाई सबको एक ही तरफ कर लेते हैं, वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। फिर इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लेने के बाद ये x square माइनस वन आएगा। सॉरी, हम x x के पहले निकाल रहे हैं। तो देखो मैंने क्या कहा कि x square की जो हाईएस्ट पावर होगी उसके उसका जो कोफिशेंट होगा उसको जीरो के इक्वल रखो। तो यहाँ पे x square की जो हाईएस्ट पावर है वो थ्री है, उसका कोफिशेंट y है, तो हम y को जीरो के इक्वल रख देते हैं, ये हमें एसिम्प्टोट मिल गया। ठीक है, और एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे मैं अब मुझे एक्स स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 20 वाई स्क्वायर, इसमें मुझे एक्स एक्स के पैरेलल एसिम्प्टोट पता करना है। तो क्या करूँगा मैं, तो पहले सबको एक तरफ कर लो, यहाँ पे माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 20 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो डेफिनेशन ये कहती है कि आपके पास जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो y माइनस c की फॉर्म में होना चाहिए, किसका, x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर का। तो यहाँ पे x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या है, 16, कोई y वेरिएबल तो है ही नहीं उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और करते हैं, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अब मुझे करना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसका करना है तो क्या करूँगा मैं, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इन सबको एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे प्लस 2 एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ना माइनस 4। अब हमको पता करना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा एसिम्प्टोट होगा। तो पहले एक्स 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 की हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पे 1 है, उसके कोफिशिएंट को इक्वल रख दो, उसका कोफिशिएंट क्या है 2y, इसको 0 के इक्वल रखो, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये एसिम्प्टोट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, तो हमको क्या करना है, सीधे ही हमें उस कर्व में एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा इन टर्म ऑफ वाई उसको 0 के इक्वल रखना है। ठीक है,